कब से आपको लग रहा था कि पिकअप बहुत ज्यादा खराब है? जब से गाड़ी ली थी उसके 1-2 साल बाद से ही खराब हो गया था पिकअप। अच्छा, लेकिन अब तो पेट्रोल और सीएनजी पे कोई फर्क ही नहीं है, बहुत ही अच्छा पिकअप है, खूब उठ रही है गाड़ी और बंद भी नहीं हो रही। पहले तो बहुत ज्यादा बंद होती थी बार बार, अब एक भी बार बंद नहीं हुई ना, वाइब्रेशन आया इसमें। ये देखो बंद हो गई, हमने रेस भी नहीं दिया, चाबी भी ऑफ नहीं किया, बंद हो गई। ये कहानी है इसके साथ में। पहले तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम बहुत गंदा है। पहले बहुत लंबा सेल्फ ले रही है, दर 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 दर। हाँ, चला के देखना पड़ेगा। पिकअप बिल्कुल कम है, दर 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 कर रही है। देख रहे हैं ना कैसे धड़ 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 कर रही है गाड़ी। आरपीएम फ्लक्चुएशन है पर बहुत कम है। अभी रास्ते में रोक रखा हूं मैं इस गाड़ी को चला के। पहले देख, कस्टमर बता रहे 60 से ऊपर ना जा रही है, देख रहे हो ना फुल। और ये यहाँ देखो 40 से ऊपर नहीं, देख रहे हो ना। ये कहानी है इसकी सारी। अब सोचो इतना देर दबा के रखेंगे तो गाड़ी की स्पीड कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी कि नहीं होगी। अभी अब छोड़ा है मैंने, और ये देखो स्पीड, अब समझ सकते हैं आपकी स्पीड कितनी, मतलब ऊपर ही ना हो रही है इसकी। पिकअप और माइलेज दोनों खत्म हो गया, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करने वाला हूँ। 3 बार तो बंद हो गई, बंद भी हो रही है बहुत ज्यादा, देख रहे ना लंबा स्टार्टिंग, देख रहे कितना लंबा है। तो कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है सबसे पहले, मजे की बात यह है। और इसमें चेक इंजन लाइट, इसमें मिस्त्री ने कलाकारी कर रखा है। इग्निशन ऑन करने पे चेक इंजन लाइट यहाँ पे आता है एयरबैग के बराबर में, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी जलने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसको गाड़ी जो लोगों को बेचना होता है ना, तो फिर वो बाईपास कर देते हैं उस चेक इंजन लाइट का। तो पहली तो कमी ये दिखी कि ये देखो अपने आप बंद हो गए, हमने बंद नहीं किया, स्विच ऑन है मतलब बंद नहीं किया, इतना समझो। न्यूट्रल है गियर, गाड़ी में प्रॉब्लम है। गाड़ी 98,660 चली हुई है, 2017 का मॉडल है, मारुति सुजुकी बलेनो। तो इससे हम इस लॉन्च के स्कैनर से स्कैन करेंगे। सबसे पहले स्कैन किया तो स्कैनर में फॉल्ट कोड क्या आ रहा है, इंजन में 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। इंजन में 2 फॉल्ट कोड आ रहे हैं, एक है 300 और एक है 303, यानी रेंडम मिसफायर का आ रहा है, यानी कि अलग अलग मिसफायर कर रहा है, कभी 2 नंबर कभी 3 नंबर कभी 4 नंबर कभी 1 नंबर, तो रेंडम मिसफायर का है। और दूसरा 3 नंबर मिसफायर तो कर ही रहा है, मतलब 3 नंबर फिक्स है कि कर ही रहा है, वो भी हिस्ट्री में चला जाता है, कभी ठीक होता है कभी खराब हो जाता है, तो यानी कि कमी है। बाहर करो ये पाइप, हमने निकाल दी, हटाओ। थ्रोटल बॉडी साफ सुथरी लग रही है, थ्रोटल बॉडी में कोई कमी नहीं है। स्पार्क प्लग खोलो जरा एक बार, स्पार्क प्लग दिखाओ सकते हैं। 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 और ये 4, यानी 4 नंबर थोड़ा सा सही काम कर रहा है मुकाबले 3 नंबर के। 2 नंबर बिल्कुल डेड है, यानी सबसे ज़्यादा खराब 2 नंबर है, फिर 3 नंबर। ये देखो आपको शायद बहुत बारीकी से नहीं समझ पाएंगे आप, हटाओ जरा इसे। तो हमने थ्रोटल बॉडी चेक कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिकअप का लॉस होता है, स्पार्क प्लग की वजह से पिकअप बहुत ज़्यादा गिरता है। तो मैंने स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल दोनों चेक कर लिए। अब इसके एक बार मैप सेंसर मुझे खोल के चेक करा दो कि मैप सेंसर की क्या कहानी है, कंडीशन क्या है। थ्रोटल बॉडी बाहर निकाली है, थ्रोटल बॉडी भी बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर कई बार साफ करा चुके हैं, कस्टमर काफ़ी हद तक कोशिश कर चुके हैं। मैप सेंसर एक बार और चेक कर लो, ये देखो अंदर से बिल्कुल चकाचक है, कोई दिक्कत ही नहीं, अंदर से पीतल वाला भी दिख रहा है, ठीक है। तो यानी मैप सेंसर बिल्कुल ओके है, यानी मैप सेंसर ओके है, थ्रोटल बॉडी ओके है, हमारा इग्निशन कॉइल ओके है, स्पार्क प्लग ओके है। और ये जो कंडीशन होती है ना दबने की, सीएनजी हो या पेट्रोल, खाली दब रही है और मिसिंग कर रही है। सारे चीज़ हमने चेक कर लिया, अब फाइनली रिजल्ट क्या है, इसके हेड का वाल, इसकी वाल की सीट हो गई है डाउन, जिसकी वजह से हमें हेड को खोलना पड़ेगा। तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम, मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा भारत से, थोड़ा पास में हूँ।
सीटें डाउन हो जाती है सीएनजी की वजह से। गाड़ी का मीटर में अभी 90,000 यानी 98,000 दिखा रहा है और कस्टमर भी काफी करवा चुके हैं इसको साफ क्लीनिंग पर हुई नहीं। तो अब फाइनली हेड का प्रॉब्लम है इसमें और हेड ही ओवरऑल कराना पड़ेगा तभी कार नहीं सेट होगी। हेड को खोलो जरा निकल बस उल्टा मत करियो अभी सारे वो ग्लासी गिर जाएंगे। यहाँ की क्या कहानी है ठीक है सिलेंडर तो बिल्कुल ठीक है किसी भी सिलेंडर में कोई परेशानी नहीं है। ये पिस्टन भी बिल्कुल सही है आवाज नहीं कर रहा है ये भी सही है यहाँ से सही है। मेन कहानी क्या है इसमें खराब है यानी गाड़ी के अंदर मिस फायर नहीं है। मिस फायर रहेगा तो ये प्लग काले हो जाएंगे ये प्लग के बीच वाला पॉइंट जो ना बहुत ज्यादा काला हो जाएगा चाहे प्लग शॉर्ट हो जाएंगे लेकिन ये बीच वाला पॉइंट बिल्कुल वाइट है कोरा है यानी कि कोई गाड़ी के अंदर मिस फायर नहीं है। खाली हैंटिंग है क्यों है एक सिलेंडर देखिए काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी इसका देखिए ये सिलेंडर बिल्कुल काम नहीं कर रहा मतलब ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है बिल्कुल काम नहीं करेगा तो मिस फायर आ जाएगा लेकिन काम कर रहे हैं पर वो प्रॉपर पावर स्ट्रोक नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से गाड़ी दब रही है। और इधर वाले सारे इनटेक के जो वाल हैं डाउन हो गए हैं सारे लेकिन ये देखिए ये वाला थोड़ा सिलेंडर ठीक है और ये वाला थोड़ा सा ठीक है बाकी एक ए और एक ए ये दो सिलेंडर का स्टोक जो है ना गाड़ी को टॉर्क मिल ही नहीं रहा है जिसकी वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है। और हम फ्यूल लाइन को जो फ्यूल लाइन है ये जो फ्यूल प्रेशर की लाइनें हैं हम इस लाइन को इसलिए नहीं चेक किए क्योंकि पता है क्या था सीएनजी में भी दब रही थी यदि फ्यूल का प्रॉब्लम रहता तो खाली पेट्रोल पे दबती ना कि सीएनजी पे लेकिन सीएनजी पे भी बहुत ज़्यादा दब रही है इसलिए फ्यूल का भी इशू नहीं है। मेन इशू क्या है इसके हेड के वाल का सीट का सीट सारी डाउन हो गई है और इसको ही करवाना पड़ेगा तब जाकर पिकअप आएगा वरना पिकअप नहीं आएगा। और गाड़ी में पिकअप लॉस होने का कारण यही था गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं थी खाली पिकअप डाउन था यानी लोड ले रही थी गाड़ी दब के चल रही थी फ्लाईओवर पे जैसे चढ़ा रहे तो डाउन गियर मारना पड़ता था चार पांच बंदे बैठ गए तो गाड़ी 40-50 से ऊपर ही नहीं जाती थी अकेले चला रहे हो तो 60 से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी लेकिन ऐसे इनिशियल पिकअप नहीं आएगा इस कंडीशन में। तो पूरा बखेरो इसे जरा क्या हाल है अफसर भाई अलट पलट के एक नंबर में चमका दो पूरा पानी मार ली। अब हम खरात पे भेजेंगे पहले इसको अखरादिया को भी बुला लिया मैंने क्योंकि एक हेड एक अर्टिका का ओरा इंजन पूरा भेजना है ये रहा एक इंजन एक हेड तो मैं तीन चार भेजने वाला हूँ ये है अखरादिया। अब गाड़ी में लोड कर लिए हैं और ये हमारा हेड है ठीक है ना तो ये तो इंजन किसी और गाड़ी का ये वाला हेड किसी और गाड़ी का पर इन पे वीडियो नहीं बन रहा ना इन पे वीडियो बन रहा खाली इस पे बना रहा हूँ मैं वीडियो बलिनो पे लेकिन चमक देखो ऊपर से नीचे तक ऐसा नहीं है कि जिस पे वीडियो बनेगा वही चमकेगा अरे जिस पे नहीं भी बनेगा उस पे भी चमकेगा देख लो चाहे। अभी एक और हेड आ रहा है यहाँ रखेंगे इसके लिए वेट कर रहे हैं हम तो अब ये जाएगा खरात पे अब जाएगा खरात पे अरे ये खरा दिया भाई साहब ये लेके जाएंगे बलिनो हो रही अर्टिका ये रही इंजन के लिए जेन स्टीलियो ये रही एक उसका हेड खोलना है स्विफ्ट का एक स्विफ्ट का इंजन करना है वो वेंटो उधर पूरी कंप्लीट तैयार हो रही है फुल्ली मतलब काम का काफ़ी लंबा प्रेशर है लाइन से देख ही रहा है इसका एक हेड खोल रहे हैं अभी दोबारा से हेड इसका खोल ही रहे हैं तो काम का प्रेशर बहुत तगड़ा है। अब पार्टों को धोया जा रहा है एक एक पार्ट को देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रस्टी है ये लेकिन बिल्कुल चमकाया जाएगा न्यू जैसा बनाया जाएगा इसको। अब इसको हम साफ करेंगे और मैं सोच रहा हूँ इसके रेडिएटर को क्लीन करा दूँ क्योंकि इधर स्थिति थोड़ी सी बुरी सी लग रही है और आगे से भी ज़्यादा डैमेज कर रखा है किसी ने तो ये रेडिएटर खुलवा लिया मैंने और ये देख सकते हैं ये क्या होता है ना गाड़ी को हीटअप कर देगा बुरा हाल कर देगा ये सारा ही तो ये क्या होगा ना ये दिक्कत है तो इसको सफाई करवाओ। टैपिट कवर धुल गया बढ़िया एयर फिल्टर हाउजिंग हमने बढ़िया करके धो दी तो अभी हेड फाइनली आ गया है और दो इन्होंने हेड दे दिए एक जेन स्टीलियो का और एक बलिनो का अभी हेड लेके जा रहे K10 का तो चूंकि इसमें हीटिंग का भी इशू था हीटिंग से तो ये फेसिंग हो गया लेकिन इसमें हीटिंग का कोई इशू नहीं था तो इसको फेस नहीं करा खाली वाल गाइड सीट और सील इसको ये पन्नी हटाओ जरा पन्नी हटा के ये वाले पन्नी में इसको भर के दे दो इन्हों और ये की है हेलो गाइस ये खरादियाँ हैं जी नहीं मेरा नाम नहीं है नहीं सब भैयों को दिल से राम राम
सफाई का प्रोसेस यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको गैसकेट यूज करूंगा मैं ये, और हेड का काम होके आ गया, तो फिर लगाओ जरा इसे। हेड रख लो तब केम को खोलो। यदि पहले केम को खोल के हम हेड को रखते हैं तो ये गलासी गिरने का चांस होगा और टैपिट आउट होने का चांस होगा, जो कि ये गलत है। भाई हमने हेड तो फिट कर दी, टाइट कर दी, टाइमिंग मिला दी, ठीक है ना। ये दो टाइमिंग मार्का है, और इधर से हमने डिसकलर को लगाया कहाँ, ठीक है, एक डिसकलर को लगाया कहाँ, ये पॉइंट पे, ये चैन के पॉइंट पे, नीचे पॉइंट है अंदर में, तो ये वाले पॉइंट पे सेट कर दी, टाइमिंग हो गई, एडजस्टर लगा दी, बढ़िया कर गए। अब फाइनल फिटिंग चल रही है इसकी। अभी हमने स्पार्क प्लग पुराने लगा दिए हैं, अभी कस दिया कॉयल इसलिए दिखाया नहीं, पर पुराने लगा दिए हैं, और बाहर की इधर की फिटिंग कर रहे हैं, पुराने इसलिए लगाए ताकि सही से प्रॉपर टेस्ट हो पाए। हमने कोई पार्ट नहीं बदला सिवाय हेड के। दादा प्रेशर बढ़ा देंगे तो रेडिएटर खत्म हो जाएगा। नहीं बता रहा, इतना हाई प्रेशर नहीं है भाई साहब, प्रेशर बढ़ा दिए रेडिएटर, ये कंडेंसर खत्म हो जाएगा। तो हमने रेडिएटर करवाया, कंडेंसर को सफाई करना जरूरी है, नहीं तो ये जो है ना गाड़ी हीट होने लगेगी। इतने हल्के प्रेशर से मारना ताकि इसके जो फिन्स हैं ये टेढ़े ना हो, फिन्स टेढ़ा हो गया तो खेल खत्म है फिर इस कंडेंसर का। ये रेडिएटर भाई होके आ गया बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से सफाई कर दी एक नंबर की। और रेडिएटर आपने दिखाया था ना, यहाँ धूल धक्कर जम रही थी बहुत बुरी तरीके से, तो उससे हीटिंग का प्रॉब्लम रहेगा। अब हेड कर रहे हैं ऐसे में, हम साफ नहीं करेंगे, लगाओ जरा इसे लगाओ, तो साफ नहीं करेंगे तो फिर गाड़ियाँ हीट मार जाएंगी, फिर इंजन चलेगा नहीं। जो 4-5 साल चलना होगा वो 1.5 साल में खेल खत्म है फिर उस इंजन का। अब कंडेंसर पे भी मैंने हल्का पानी मार दी, बहुत हल्का फुहारा मारा, किसी ने पहले ही ज़्यादा दबा के मार रखा है तो फिन सारे टेढ़े हुए पड़े हैं। फिर भी मैंने देखो ऊपर भी तुम्हारी हमने कितना बेहतरीन है, लेकिन नीचे का किसी ने नाश कर रखा, पता था होता नहीं है ज़्यादा। इंजेक्टर भी हमने इसके क्लीन कराए हैं और क्लीन करा के लगा रहे हैं इसमें। ऑयल न्यू डाल रहे हैं हम, क्योंकि ऑयल जो है ना वो ज़्यादा ही डेड हो गया था, इसलिए मुझे न्यू ही डालनी पड़ रही है। और 10-40 का वो डाल रहे हैं, ये वाला 10-30 हाँ 10-30। और ऑयल फिल्टर भी हम न्यू डाल रहे हैं नीचे से, कूलेंट भी हमने डाल दी इसलिए क्योंकि यार ये ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे वो सारे। धुआं उठ गया ये फर्स्ट स्टार्टिंग का निशानी है भाई, धुआं का उठना, देख रहे हैं ना। अब क्या चेक करोगे, इसके लीकेज चेक करो, कूलेंट चेक करो, फैन चला के चेक करो, सारा चीज A to Z चेक करो। चलो कोई चेक लाइट तो नहीं आ रही है, चेक लाइट तो नहीं आ रही है ना कोई भी, ना कोई भी नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल सेट है मामला। ये है भाई बलेनो, देख रहे हैं ना, ये है मारुति सुजुकी बलेनो। भाई गाड़ी स्टार्ट है लेकिन पता नहीं पड़ रही है, मैं कंफ्यूज हो गया कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा यार, गाड़ी इतनी साइलेंट है, मतलब कि क्या ही बताऊं मैं, बहुत मस्त। बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है, थोड़ा सा भी पता नहीं पड़ रहा है कि गाड़ी स्टार्ट है कि क्या है। देख सकते हैं ना RPM फ्लक्चुएशन, ना कुछ भी, बिल्कुल साइलेंट यार, मतलब यकीन नहीं हो रहा कि इतना ज्यादा गाड़ी साइलेंट भी हो सकती है। देख रहे हैं ना, कहीं शीशे में भी हल्की सी जर्किंग नहीं है, कहीं भी जर्किंग नहीं है, नहीं तो पहले स्टार्ट करते धड़ 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 धड़, अरे क्या स्टार्ट हो गया यार, जनरेटर स्टार्ट हो गया कि गाड़ी। पर गाड़ी को इतनी स्मूथ बना दी भाई, देख रहे हैं ना, जर्किंग होती है ना पता पड़ जाती है, पहले जर्किंग में धड़ 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 करती थी, अब देखो।
और गाड़ी भागने में भी भाई रे क्या बात है रे, पिकअप ही अरे तेरी यार उड़ रही है, मतलब अब कहते हैं ना इसको उड़ना, हाय 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 रे देख रहा ना ये यही तो कमी हो जाती थी उसमें कि लेती नहीं थी कई बार। अब मैं पांचवा गियर डाला, अब हमारी रेड लाइट आ गई, इतने पे ही मैंने 60 से तो ऊपर जा ही नहीं रही थी, अभी 100 टच कर दिया इसने। ओ भारत माता की जय, देख रहे ना बहुत बड़ा तिरंगा है भाई। गाड़ी भाई मस्त हो गई, अब मैं ज्यादा सबासी दूंगा तो आप कहोगे यार कि यार मुकेश भाई बहुत ज्यादा अपने को वो बता रहे हैं। अब कस्टमर से डायरेक्ट चलवाते हैं और कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, अभी तो मैं चला के चेक कर। अरे क्या बात है यार, मजा आ गया यार गाड़ी में जैसा चाहिए भाई, गाड़ी ने बन गया, गाड़ी मजा गाड़ दिया। आए है सीएनजी पे आ गई अब, अरे रे 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 वाह भाई साहब आ गई हमारी रेड लाइट, छोटी सी रेड लाइट है यार ये तो। गाड़ी भाई बिल्कुल डन है, ये सीएनजी पे था, ये देखो सीएनजी पे, मेरे को सब चीज चेक करना पड़ता है, मजे ऐसा हल्के में मत लेना भाई, ना सारा ही चेक करता हूँ, शायद आपको दिखा पाऊँ या नहीं लेकिन टेस्ट सारा ही होगा, कोई वो नहीं जर्किंग पर्किंग नहीं, कोई कुछ नहीं। अरे उठने, ये जो जो एक्सीलेटर की सुई और मीटर की सुई है ना, ये जो रिस्पॉन्स करने लगे एक साथ है, रे 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 ये भाई रेसर गाड़ी में मिलती है कहानी। अय है ब्रेकर, तो भी गाड़ी फाइनल कर दी हमने, तो ट्राई ले लिया, इन्होंने ट्राई लिया और सर ने ट्राई लिया, कहाँ है सर, ये इनकी इको स्पोर्ट थी याद होगा, इनकी गाड़ी हमने बनाई थी, तो कैसी चल रही थी सर इको स्पोर्ट? बहुत अच्छी कर दी आपने, मतलब अभी भी आपको दुआएं दे दी होगी वो गाड़ी। अच्छा चलिए ठीक है, अभी इनकी गाड़ी है ये बलिनो थी और पहले बहुत ज्यादा पिकअप लॉस हो गया था। कब से आपको लग रहा था कि पिकअप बहुत ज्यादा खराब है? जब से गाड़ी ली थी उसके एक दो साल बाद से ही खराब हो गया था पिकअप। अच्छा। लेकिन अब तो पेट्रोल और सीएनजी पे कोई फर्क ही नहीं है, बहुत ही अच्छा पिकअप है, खूब उठ रही है गाड़ी और बंद भी नहीं हो रही, पहले तो बहुत ज्यादा बंद होती थी बार बार, अब एक भी बार बंद नहीं हुई ना वाइब्रेशन आया इसमें। अब पिकअप देखे कैसा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब माइलेज भी अच्छा हो जाएगा, सुबह की स्टार्टिंग भी अच्छी हो जाएगी, पहले तो बहुत ज्यादा धड़ करती थी ये। हाँ वही तो, हम तो हमारा मेन फोकस था कि गाड़ी का पिकअप, और पिकअप की वजह हेड का वाल जो है ना उसकी सीटें डाउन हो गई थी, तो मैंने वाल वाल सारे चेंज किए थे और काफी अच्छी पिकअप हो गई, मतलब जैसा मेरे को चाहिए होता है वैसा पिकअप हो गया। और कस्टमर, मैंने बोला था ना कि मैं खुद नहीं बताऊंगा, मैं कस्टमर बताएंगे कि कैसा पिकअप आया इस गाड़ी का, तो आपने सुन लिया पूरा फाइनल। और कोई काम से रिलेटेड कोई और गाड़ी चलाया आपने, सफाई सुफाई चाहे इंजन से रिलेटेड कोई और शिकायत? सब बढ़िया है भैया, बहुत अच्छी, इतनी साफ करके दी है आपने गाड़ी। अच्छा इतनी तो हम नहीं लेकर आए। अच्छा चलिए ठीक है, तो ठीक है ओके, थैंक यू यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू। और यही था छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो देना था कि कई बार गाड़ियों का पिकअप जो डाउन हो जाता है उसका एक्चुअल पंगे क्या होते हैं, वो चीज मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, ना कि फालतू की चीजें। और अच्छा इसमें इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर और कूलेंट, ये तीन चीजें मैंने बदल दी है क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी खराब हो रहा था। ठीक है तो ओके थैंक यू।